नमस्कार, द एच डी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जी हां, आंकड़े सुन आपके होश भी उड़ जाएंगे। क्या है ताजा अपडेट, चलिए आप तक हम फटाफट पहुंचा देते हैं। तो बिहार में कोरोना का कहर जारी है। सूबे में आज यानी बुधवार को एक साथ 749 मरीज मिलने की खबर आ रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,274 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बिहार के 35 जिलों में 749 मरीज अभी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पटना से 237, अररिया से 8, अरवल से 12, औरंगाबाद से 7, बांका से 5, बेगूसराय से 67, भागलपुर से 50, भोजपुर से 2, बक्सर से 14, दरभंगा से 8 और गया की बात करें तो 15, गोपालगंज से 61, जमुई से 6, जहानाबाद से 18, खगड़िया से 14, किशनगंज से 8, लखीसराय से 10, मधेपुरा से 13, मधुबनी से 17, मुंगेर से 24, मुजफ्फरपुर, नालंदा से 3, नवादा से 36, पूर्णिया से 22, सहरसा की बात करें तो 5, समस्तीपुर से 2, शेखपुरा से 8, शिवहर से 2, सुपौल से 13, वैशाली से 3 और पश्चिमी चंपारण से मरीज मिलने की खबर आ रही है। इधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी डीएम और जिला में जरूरत के हिसाब से, गंभीरता के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो दे दिया है। पटना जिले में सबसे ज्यादा पटना सिटी के मरीज मिले हैं। साथ ही पाटलिपुत्रा कॉलोनी इलाके स्थित 102 एम्बुलेंस सेवा का काम करने वाले एनजीओ के कार्यालय के 35 कर्मी भी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में कुछ दिनों तक जिले में एम्बुलेंस सेवा के भी प्रभावित होने की आशंका है। तो लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। ताजा आंकड़े यानी अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट जो है अब बिहार में हुआ है। अब आपसे हम यही निवेदन करेंगे, इस वीडियो को जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, आप बहुत ख्याल रखें, अपना घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा आप सबके सामने है।